लुधियाना ड्राई पोर्ट पर सीबीआई का छापा, अमृतसर में कस्टम सुपरिटेंडेंट को उठाया। सीबीआई की टीम ने अमृतसर में तैनात कस्टम विभाग के एक सुपरिटेंडेंट को हिरासत में लेने के बाद बुधवार को लुधियाना ड्राई पोर्ट पर कार्यरत एक उच्च महिला अधिकारी से भी कई घंटे पूछताछ की। गुजरात में शिक्षकों को बड़ी राहत, सरकार द्वारा 8 घंटे की शिफ्ट को किया गया रद्द। गुजरात सरकार ने भारी हंगामे के बाद आखिरकार बुधवार को उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य रूप से हर दिन 8 घंटे काम करने के लिए कहा गया था। टाइट कपड़े पहनने पर लगाया रोक, पाकिस्तान में महिला शिक्षकों के लिए बनाया ड्रेस कोड। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद इसका असर पाकिस्तान में भी नजर आने लगा है। इमरान खान सरकार ने शिक्षकों के लिए एक खास ड्रेस कोड बनाया है। महिला शिक्षकों के टाइट कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई है, वहीं पुरुष शिक्षक भी जीन्स टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। माता वैष्णो देवी के दरबार में आज हाजिरी लगाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और वहां शाम के समय होने वाली विशेष आरती में भी भाग लेंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी दोपहर में जम्मू पहुंचेंगे, इसके बाद कटरा से पैदल चलकर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे। उन्होंने कुछ दिनों पहले भी श्रीनगर का दौरा किया था। शहर में बनेंगे 40 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की संख्या लगातार बढ़ रही है, चार्जिंग स्टेशन की संख्या काफी कम है। अब शहर में 40 जगह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे लोगों को अपने वाहन चार्ज करने के साथ साथ उनके प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। पाक सीमा के पास आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन। पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर देश की वायुसेना ने आज इतिहास रच दिया। राजस्थान के बाड़मेर में बने नेशनल हाईवे पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। तालिबान का वादा, महिला भी होंगी सरकार का हिस्सा। अफगान सरकार आने वाले दिनों में महिलाओं को भी सरकार में शामिल करेगी। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद का कहना है कि शरिया कानून कोई सम्मान के लिए महिलाओं हेतु पद होगा, ये एक शुरुआत है, लेकिन हम महिलाओं के लिए सीट तलाशेंगे, वे सरकार का हिस्सा भी हो सकती हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर उभार। देश में 24 घंटे के अंदर 37,875 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जबकि बुधवार को यह संख्या 31,222 थी। एक दिन के अंदर 6,653 मामलों की बढ़ोतरी ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका में टिकटॉक ने यूट्यूब को पछाड़ा। अमेरिका में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने यूजर्स अब हर महीने यूट्यूब यूजर्स की तुलना में कंटेंट देखने में अधिक समय बिता रहे हैं। ऐप एनालिटिक्स फर्म ऐप एनी के अनुसार अमेरिका में टिकटॉक ने पिछले वर्ष अगस्त में पहली बार यूट्यूब को पछाड़ा था और जून 2021 तक इसके यूजर्स ने यूट्यूब पर 22 घंटे और 40 मिनट की तुलना में प्रति माह 24 घंटे से अधिक सामग्री देखी।